हालेलुया, स्वागत है आप सब का मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। शरीर में मरना, जैसा कि यहोशू की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 2 आयत में लिखा है, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें, आप अपने जीवन में तभी कुछ कर सकते हैं जब परमेश्वर की ताकत आपके जीवन में काम करे और आप अपने शरीर में मरे हुए हों। अगर हम बाइबल में यहोशू की किताब को पढ़ें, तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि जो नगर तेरे सामने है उसको मैं तेरे हाथों में दे देता हूँ, तू उस पर विजय पाएगा। परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने लोगों को ले और उस नगर के चारों ओर 7 दिन तक चक्कर मार। 6 दिन तक तो उस नगर के चारों ओर एक एक चक्कर मारना, लेकिन 7वें दिन 7 बार चक्कर मारना और 7 चक्कर मारने के बाद जोर जोर से जय जयकार करना, तब वह दीवार अपने आप गिर पड़ेगी। अब जरा ध्यान दे कि परमेश्वर ने इसराइलियों को 7 बार चक्कर मारने के बाद जय जयकार करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि अगर वह लोग शरीर में चलते तो परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम नहीं कर पाता। इसीलिए परमेश्वर ने इसराइलियों को 7 चक्कर मारने के लिए कहा, क्योंकि 7 चक्कर मारने के बाद उनके शरीर की ताकत खत्म हो चुकी थी और जब वे अपने शरीर में मर गए तब परमेश्वर ने अपनी ताकत दिखाई और दीवार को गिराकर उनके जीवन में काम किया। मेरे प्रियो, जब तक आपके साथ परमेश्वर की ताकत नहीं जुड़ जाती तब तक आपकी अपनी ताकत कुछ नहीं कर सकती। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें, तो लिखा है कि यरीहो की दीवार अंदर की ओर से बाहर की तरफ गिरी थी, क्योंकि अगर वह अंदर की ओर गिरती तो उनको लगता कि इसराइलियों ने धक्का मारकर उसे गिराया, लेकिन उस दीवार का बाहर की ओर गिरना ये साबित करता था कि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ था। याद रखें, अगर आपके जीवन में वचन और प्रार्थना है तो जिस तरह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यरीहो की दीवार गिरी, उसी तरह से आपके जीवन में से हर वो दीवार जो शैतानी है, श्रापों की है, वह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा गिर जाएगी। लेकिन अगर आपको अपने शरीर के ऊपर भरोसा होगा तो फिर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा और जब आप शरीर में मरेंगे तब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि प्रार्थना आपके शरीर की अभिलाषाओं को खत्म कर देती है। परमेश्वर की हजूरी आपकी शारीरिकता को खत्म कर देती है, फिर आप नया बन जाते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो आपको शरीर में मरने की जरूरत है। आप तब ही परमेश्वर को खुश कर पाएंगे जब आप शरीर में मरे होंगे और अभिलाषाओं और लालसाओं में मरे होंगे, फिर शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा और आपके जीवन में कोई भी शैतान की दीवार नहीं होगी। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि जो भी लोग इस वचन को पढ़े या सुने, ये वचन उनके जीवन में काम करे, इनका जीवन प्रार्थना वाला हो और इनका भरोसा अपने शरीर पर नहीं बल्कि आपके ऊपर हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सब को आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।